जमीन बचाने का काम किया है, आदिवासियों का जो हक अधिकार है उस पर लड़ने का काम किया है। कि हर बार बड़े बड़े पार्टी के लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन 24 साल में अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ना रोड बना, ना नाली यहाँ पर बना है, ना बिजली आई है। इस बार हटिया विधानसभा से जीत तय है। उनको गारंटी दे रहे हैं कि हम लोग अपना इनका जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे। लोकतंत्र 19 में आप सभी का स्वागत जोहार है। इस वक्त हम जो है हटिया विधानसभा अंतर्गत एक गांव आए हुए हैं। यहां पे आप जैसा कि देख रहे हैं उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी के तौर पर बाप पार्टी से कुंद्रा सिंह मुंडा का जो है उनके समर्थक है, उनके साथ में कुछ कुंद्रा सिंह मुंडा भी इस गांव में प्रवेश की है। यहाँ के लोगों से बातचीत कर रही है। उनका जो है बता दें आपको 13 नवम्बर को चुनाव होना है पहले चरण पर, जिस पर जो है वो भी खड़ी हुई है। चलिए उनसे भी बातें करते हैं, क्या क्या बातें हुई हैं और कैसी तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर। दीदी जोहार। जोहार जोहार दीदी, कैसा चल रहा है तैयारी आपका? तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों का हुजूम भी आ रहा है मेरे साथ। और इस बार हटिया विधानसभा से जीत तय है। इस बार अभी जो आप गांव में आए हैं दीदी, कैसा रिस्पॉन्स रहा है गाँव के ग्रामीणों का? गाँव के ग्रामीणों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। और पहले से ही बोला गया था कि कुर्सी उर्सी का व्यवस्था नहीं करना, हम लोग जमीन पर बैठकर आप लोगों से मिलेंगे। और इस बार जमीन पर बैठकर ही हम लोग लोगों से बात किए, उनकी समस्याओं को सुने। उनका यही कहना है कि हर बार बड़े बड़े पार्टी के लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन 24 साल में अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ना रोड बना, ना नाली यहाँ पर बना है, ना बिजली आई है ठीक से, ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो जाता है लेकिन उसको बनाने वाला कोई नहीं है। इस तरह का बहुत सारा समस्या, पानी का समस्या है स्कूल में, स्कूल है लेकिन टीचर्स नहीं है जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाता है। ये बहुत सारा समस्या अभी बतलाए यहाँ के लोग, जिसको कि हम लोग पिछले 15 सालों से यहाँ पर भाजपा का सरकार रहा है, भाजपा के विधायक रहे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग आश्वासन नहीं, हम लोग ये उनको गारंटी दे रहे हैं कि हम लोग अपना इनका जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे। दीदी और एक बात है, आप इस गांव से, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आए, आपने जैसे बताया कि आप इससे पहले भी जो है जमीनी चीजों को लेकर लड़ाई करती रही है, तो इस चीज को लेकर में गाँव के लोगों का कैसा समर्थन? यहाँ पर पहले भी ये रूपा तिर्की बहन का ये गाँव है जो स्वर्गीय है और उनका लड़ाई हम लोग लड़े हैं और पहले से ये गांव मेरे लिए परिचित है और सभी लोग गांव के लोग जानते हैं कि हम लोग इस गांव के लिए बहुत लड़े हैं और यहां पर काम भी किए हैं, तो सबका समर्थन है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जैसे कि ये आपको जानकारी के लिए बता दें, ये हटिया विधानसभा अंतर्गत ढंडई हेहिल गांव है। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा जो है प्रत्याशी कुंद्रा सिंह मुंडा जो है, जैसा बता दें, बाप पार्टी से उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई हैं। गांव के लोगों से बातचीत की है, कई सारी समस्याएं हैं। ग्रामीणों का यह भी शिकायत रहा है कि कई सारे बड़े बड़े पार्टी हैं, आते हैं, वादे करते हैं लेकिन खुलकर काम नहीं कर पाते हैं। अब देखना यह है कि अब प्रत्याशी के तौर पर कुंद्रा सिंह मुंडा खड़ी हुई है, गाँव के लोग कितना उनको सपोर्ट करते। फिलहाल हम जो है और भी ऐसे कई सारी खबरें जो है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप इसी को लेकर जो है आप हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और साथ ही इसी तरह के नए नए खबरों को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जोहार।